सो गाइस, तो आज की इस वाले वीडियो में बात करने वाला है टेक 10 एपिसोड ऑफ टेक न्यूज़ के बारे में। लाइक जैसा कि आज की इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9 टेक न्यूज़ टेक अपडेट। जैसा कि अगर आपको बताऊँ तो वीकली में, जैसा कि ट्यूजडे के दिन आपको हर वीकली में, जैसा कि हर वीक में एक बार आर्मी टेक न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी जरूर से बताएं अगर आप टेक न्यूज़ देखना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वीकली में एक दिन आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, जैसा कि मैं ट्राई करूँगा एक से ज़्यादा भी बनाने की, सो अमेजिंग टेक न्यूज़ में आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तो देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। गाइस, तो बात की जाए सो गाइस, तो पहली जो खबर निकल के आ रही है वो है यूनिसो की तरफ से। यूनिसो T7520 वाली चिपसेट जो है वो आपको जैसा कि दिसंबर 2021 में देखने को मिला था, और उसके अंदर जैसा कि कुछ इशू देखने को मिले थे, लाइक जैसा कि कॉल रिकॉर्ड, टेक्स्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट, वीडियो रिकॉर्ड, ये सारी जो डाटा आपके स्मार्टफोन के पास हैकर के पास जो है वो शेयर किया जाता था। तो उसकी उस इशू को फिक्स कर दिया है, जैसा कि फिक्स कर दिया है। अब वो जो इशू है वो आपको उस चिपसेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके जैसा कि उस चिपसेट वाला स्मार्टफोन है आपके पास, तो जैसा कि आपको कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी, और तो जैसा कि आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा चिपसेट था। और ये जो चिपसेट है वो कौन सा स्मार्टफोन में है प्लीज़ मुझे पता नहीं, आप चाहो तो हमें कमेंट करके भी जरूर से बता सकते हो। एंड गाइस, तो अगली जो खबर निकल कर रही वो है निकल कर आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस नोट 2T स्मार्टफोन जो है वो आपको जैसा कि इसके फुल स्पेसिफिकेशन लीक हो गए। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इस साल के जैसा कि अप्रैल या मई में देखने को मिल जाएंगे। और तो इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 30,000 से लेकर 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। और इसका जो बेस्ट वेरियंट की जो प्राइस होगी वो आपको 30,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। 90Hz का डिफ्लेक्स होगा, एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले, और 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 12, 45,000 mAh की बैटरी, टाइप सी केबल, स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, तो अगली जो खबर निकल कर आई हॉनर की तरफ से, हॉनर मैजिक 4 लाइट की स्मार्टफोन, जैसा कि ये जो स्मार्टफोन है कुछ ही दिनों में चाइना में आपको देखने को मिल सकता है, और ये स्मार्टफोन जो इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, ये जो स्मार्टफोन 5G होने वाला है, 6.81 इंच की TFT LCD पैनल वाला डिस्प्ले हो जाएगी, और इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और तो और इसमें आपको 483 PPI देखने को मिल जाएगी, 60 megapixel की सेल्फी एंड 60fps की उस वीडियो शूट कर पाओगे। पंच होल डिस्प्ले होगी, 48 megapixel +2 megapixel का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगी। LED फ्लैश लाइट, एंड्रॉइड 11, 48,000 mAh की बैटरी, 40W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और इस इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको कोई का 695 चिपसेट देखने को मिल जाएगी, और NFC भी होगी। और जैसा कि यह बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन जो है 29 मार्च को चाइना में लॉन्च कर दिया जाएगा, और तो जैसा कि इंडिया में भी आपको जैसा कि उसके एक महीने या दो महीने बाद इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और तो इसके बाद की जाए प्राइस की, जैसा कि इसके जो यूरोज आई है वो आपको 25,133, जैसा कि इसे इंडिया में कन्वर्ट करके होता है, जैसा कि इसके यूरोपियन प्राइस है वो आपको 25,133 के अप्रोच देखने को मिलता है। और जैसा कि ये इंडिया में आएगा तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 1,000 या 2,000 से महंगा देखने को मिल सकता है। सो अगर तो बात की जाए नेक्स्ट टेक न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट जो टेक न्यूज़ है वो जीमेल की तरफ से आ रहा है, जीमेल ऑन एंड्रॉइड रोलिंग आउट। जैसा कि जीमेल में एक आपको जैसा कि स्टेटस बार देखने को मिलेगा, अगर जैसा कि आप ऊपर के एक साइड में देखोगे तो उसका गूगल चैट जैसा एक स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप गूगल से चैट कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड गाइस, तो बात की जाए नेक्स्ट टेक न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट जो टेक न्यूज़ है वो है रियलमी GT Neo 3 के स्मार्टफोन की तरफ से। ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको जैसा कि सोनी IMX766 वाला जो चिपसेट है सेंसर है वो आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसमें जो है OIS होगा, जैसा कि ये कन्फर्म कर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन है वो आपको 22 मार्च को चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और ये स्मार्टफोन उसके कुछ ही दिनों बाद आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन की, नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो मोटो G5G, तो मोटोरोला की तरफ से आपको मोटो G5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल सकता है, और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग गेमिंग चिपसेट है। और इसमें आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 50MP प्लस डी कैमरा सपोर्ट मिल जाएगी। और तो इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक 4GB RAM के साथ आएगा, और ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 30,000 के अंडर देखने को मिल सकती है। एंड गाइस, तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन वो है वीवो X Note स्मार्टफोन। तो ये जो स्मार्टफोन ये जो पैड है वो आपको इंडिया में जल्दी देखने को मिल जाएगी, और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वीवो Nex 5, तो इसे जो जैसा कि रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, जैसा कि इसके 7 इंच का AMOLED पैनल वाला डिस्प्ले मिल जाएगी, और E5Q HD प्लस 120Hz के साथ देखने को मिल जाएगी। इसमें जो बात की जाए इसके चिपसेट की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8Gen 1 चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी, और 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, 50MP प्लस 48MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, और 2MP प्लस 8MP का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएगा। और तो बात की जाए इसके वाइड स्क्रीन, जैसा कि 3D कर्व अल्ट्रासोनिक का फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है, एंड 12GB प्लस 256GB, 12GB प्लस 512GB, ये दोनों वेरिएंट आपको इस उनके अंदर देखने को मिल सकता है।
एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट टेक्निक नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10 प्रो स्मार्टफोन जो है वो आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक है एमरल्ड फॉरेस्ट, और इसमें जो है बताया जा रहा है कि इसमें कलर ओएस का 2.1 वाला होगा जो कि काफ़ी अमेजिंग एंड्रॉइड सेटिंग आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और तो जैसा कि ये जो है स्मार्टफोन वो आपको स्टार्टिंग अप्रैल तक ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। काफ़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन साथ आता है, काफ़ी अमेजिंग फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है, तो आपको ये स्मार्टफोन से जरूर से बाय करनी चाहिए। अगर सो आएगा तो बात की जाए लास्ट और आखिरी टेक्निक्स के बारे में तो वो निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी 10 प्राइम प्लस 5G स्मार्टफोन आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके रूमर लीक्स की बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन है जैसा कि रेडमी नोट 11E के स्मार्टफोन के बारे में तो आप सुना ही होगा, जैसे कि रेडमी नोट 11E जो स्मार्टफोन है जो कि चाइना में लॉन्च कर दिया गया था उसे रिब्रांड करके इंडिया में जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और तो इस बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.48 इंच का FHD प्लस IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 700 वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी विद 22.5 वाट का फास्ट सपोर्ट मिल जाएगा, 5000 mAh आवर की बैटरी और 50 MP प्लस 2 MP का डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा रियर में, और 5 MP का सेल्फी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसमें बात की जाए जैसे कि एंड्रॉइड 11 MIUI 13 6GB प्लस 128GB देखने को ये वेरिएंट आपको देखने को मिल सकती है, और इसमें आपको LPDDR4X रैम यूपीएस 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकती है। इतना चीज आपको जैसा कि इस समय देखने को मिल जाएगा। रूमर लीक्स के हिसाब से तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसमें आपको 5 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी, बट मेरे को लगता है इसमें आपको 12 MP 8 MP का सेल्फी देखने को मिल सकता है। तो यही थी हमें रेडमी 10 प्राइम प्लस 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन। तो यही थी #10 एपिसोड ऑफ टेक न्यूज़। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो उनको सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। सो ऐसे ही अगर आप टेक न्यूज़ देखना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके जोर से बताना। We'll be right back.